प्लानिंग की तरफ सोचते हैं, वो प्लान करता है, प्लान बाय स्टेप प्लान करते हैं। और आप क्या तो प्लानिंग के तहत तो सोच के काम करता है, उसको स्ट्रेटजी थिंकर कहते हैं। सोच के काम। अच्छा देखिए, स्ट्रेटजी का मतलब मैं आपसे अर्ज करूं, स्ट्रेटजाइज करना इसी चीज को ही होता है कि दो एस्पेक्ट्स में स्ट्रेटजिक थिंकिंग आती है। एक तो ये कि जो चीजों का स्ट्रेटजिक सॉल्यूशन होता है वो एफिशिएंट होता है। वैसे तो अगर मुझे यहां से वापस घर जाना है या अपने दफ्तर जाना है तो मैं पैदल भी जा सकता हूं, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा ये तरीका। एफिशिएंट तरीका ये होगा कि मैं गाड़ी से चल रहा हूं या हेलीकॉप्टर से चल रहा हूं, ये ज्यादा एफिशिएंट है। सो एफिशिएंसी में वक्त कम लगना चाहिए, यानी आप वक्त कम इस्तेमाल करें किसी भी चीज को तो वो स्ट्रेटजाइज हो जाएगी। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? यस सर। यानी अगर आपने अपनी किसी टेक्निक से, अपनी किसी इन्वेंशन से वक्त को कम कर दिया तो यू आर अ गुड इंजीनियर। किसी भी चीज के करने का काम आपने कम कर दिया, यानी टाइम कम कर दिया। दूसरा ये कि उसके अंदर जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो कम कर दिया। एक वक्त कम करने से एफिशिएंट हो जाएंगे और स्ट्रेटेजिक हो जाएंगे, और दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड कम करने से आप स्ट्रेटेजिक हो जाएंगे। अगर कोई चीज दो चीजों में बेहतर हो जाए, वक्त कम इस्तेमाल करे और लेकिन साथ साथ एनर्जी भी कम इस्तेमाल करे, तो वो एफिशिएंट कहलाता है और वो स्ट्रेटजिक कहलाता है। अगर आपने एक काम किया, यानी मिसाल के तौर पर यहां से मेरे दफ्तर तक जाने के लिए सबसे कम वक्त होगा कि मैं F-16 पे जाऊं, सबसे कम वक्त होगा, तो क्या ये स्ट्रेटजिकली करेक्ट है? क्यों? पावर बहुत ज्यादा एनर्जी, पावर एनर्जी ज्यादा कम वक्त लगा है, एनर्जी ज्यादा कम लगा, एनर्जी बहुत कंज्यूम। उस एनर्जी से पूरे आप लोगों का पूरा कैंपस वहां जा सकता था उतने पैसों में जितने में एक आदमी वहां गया, तो ये बड़ी रिडिकुलस बात हो गई। तो ये स्ट्रेटजिकली गलत है। मुझे कुछ ऐसा करना है तेजी से पहुंचो और एनर्जी भी कम इस्तेमाल, ये स्ट्रेटजी है। तो आपको बायोइन्फॉर्मेटिक इंजीनियर को इस तरह काम करना है कि जो भी चीजें आप इजाद करें या बनाए वो टाइम कम करे और एफिशिएंसी ज्यादा हो, एनर्जी कम हो एफिशिएंसी ज्यादा, राइट? सो तीसरी चीज भी ये करनी है आप, और वो ये है कि आपको ह्यूमनिस्ट होना है। आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स का इन चीजों से क्या ताल्लुक है, अभी समझ आ जाएगा। ह्यूमनिस्ट किसे कहते हैं? तकसीम नहीं कर, उसको नॉन डिवाइसिव कहते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर बायो इंजीनियरिंग से और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से आपने एक गैजेट इजाद किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और उससे गैजेट इजाद किया जिससे के हार्ट के जो वेल्व्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है बाय दैट पर्टिकुलर टेक्निक। मैं एक मिसाल दे, पता नहीं आप ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप ऐसा काम करें और आप एक ऐसा गैजेट इजाद करें जिससे कि जो हमें वेल्व डालने पड़ते हैं वो खत्म हो जाए, सारे स्टैंड्स डालने हैं बंद कर दें, बस वो एक गैजेट डालें उससे काम हो जाए, तो आप ह्यूमनिस्ट होने के सिलसिले में ये कहेंगे कि देखिए ये मैंने वेल्व बना दिया है। ये नहीं कह सकते आप कि ये सिर्फ मुसलमान पहना करें, गैर मुस्लिम लोग हैं वो उनको इजाजत नहीं है। कहेंगे आप ये भी नहीं कह सकते कि देखिए ये जो फिका से मैं ताल्लुक रखता हूं ना, जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूं, जो इस तरह नमाज पढ़ेगा वो ये वैल, अगर कोई दूसरी तरह पढ़ता है तो फिर आप कह सकते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये अमीर इस्तेमाल करेगा और गरीब इस्तेमाल नहीं करेगा।
आप ये भी नहीं कह सकते कि ये काले के लिए और गोरे के लिए नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये अरबी के लिए और अजमी के लिए नहीं, कह सकते हैं? ये जो जुमला है ये आपने पहले तारीख में किसी के हवाले से सुना हुआ है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर मेरी जान कुर्बान है, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमनिस्ट, क्योंकि वो नॉन डिवाइस, वो इंसानों में तकसीम खत्म कर देते हैं। देखा, तो वो रहमतुल आलमीन कहलाते हैं, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहते, ह्यूमनिस्ट। आप देख रहे हैं, तो जिस वक्त भी आप किसी भी हवाले से तकसीम करें इंसानों को, किसी भी हवाले से, तो याद रखिएगा उस वक्त आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर नहीं कहलाएंगे, आप कुछ और कहला सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त प्रोफेशनल बायो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियर नहीं कहलाए, इसलिए कि आप अब अपने अंदर एक गिरहा लगा रहे हैं, आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, और इस बैरियर की वजह से आपकी उस शख्स से कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? और आप चाहते हैं आज सीखना बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट? ह्यूमनिस्ट होना पड़ेगा पहले, पहले ये तकसीम खत्म करनी पड़ेगी इंसानों के अंदर से। आप ये नहीं कह सकते कि मैं लड़के से तो नहीं बात करूंगी, लड़की से बात, और लड़का ये नहीं कह सकता प्रोफेशनल। देखिए, मैं आपके वैल्यू सिस्टम्स की और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आपके जो वैल्यूज हैं या सोसाइटल कल्चर उसके बारे में गुफ्तगू नहीं हो रही, इसलिए अगर आपको किसी मेरी बात पर बुरा लगे तो मैं उससे पहले ही आपसे उसके बारे में माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मैं एज ए साइंटिस्ट बात कर रहा हूँ, एज ए प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ। आप अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर ये तकसीम नहीं ला सकते कि हैं फिर लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी में क्या मशहूर हो जाएगा। देखिए, आप जाएंगे, आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, ये पर्टिकुलर सर्किट मैंने बनाया है, आप इसको सर्किट में देखिए, आपने जो बनाया हुआ है वो, तो मैं यूं कर भी बात कर सकती हूँ, मेरी सर्किट नजर नहीं आएगा आपको। ऑल ऑफ यू वुड हैव टू बिकम ह्यूमनिस्ट्स if you want to be effective communicator. Anybody who divides people is therefore already at a disadvantage because he will not be able to communicate effectively. Meri baat samajh aayi? Agar ye baat samajh aayi to fir hum aage chalte hain. Aur agli baat ye ki aap sabko team man hoga, bioinformatics engineer ya koi bhi professional akela nahi kaam kar sakta. आपके ऊपर नाउज़ुबिल्ला अगर वही भी आनी शुरू हो जाए जो अब नहीं आई, तो भी आप अकेले नहीं कर सकते कुछ, यू हैव टू बी ए टीम मैन। तो अगर आपके जहन में यह है कि आप अजीब एक इन्वेंशन यहां छुपा के अंदर से करके और मशहूर हो जाएंगे बगैर किसी को इन्वॉल्व किए हुए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी। यू हैव टू बी टीम पर्सन, यू हैव टू शेयर डेटा, you would have to share your skills, you have to share your understanding, that's your senses. Hikmat, ye hoti hai.